हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पूर्वी स्पेशंस। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लंच के साथ। लंच में बनाने जा रही हूँ आज मैं राजस्थानी स्पेशल पचकुटे की सब्जी और कड़ी। ये पचकुटे की सब्जी जिसको मैंने भिगो रखा है करीब 3-4 घंटे से, और कड़ी बनाने वाली हूँ और साथ में बनाने वाली हूँ चपाती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पचकुटा, जिसके अंदर होता है कैर, सांगरी, गोंदा, कुंठे और साबुत अमचूर भी होता है। अमचूर मेरे पास साबुत नहीं, तो मैं पाउडर डालूंगी। और इसे मैंने करीब 3-4 घंटे से छाछ और नमक में भिगो रखा है। छाछ और नमक में भिगोने से थोड़ी खटास अच्छी आती है, सब्जी थोड़ी टेस्टी बनती है। वैसे आप इसे पानी में भी भिगो सकते हैं। और यहाँ तैयार हो रही है साइड में मेरी कड़ी। और कड़ी में मैंने पहले तड़का नहीं लगाया है, सिर्फ बेसन को छाछ में घोलकर अभी मैंने कड़ी चढ़ाई है केवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। उसके लिए मैंने एक पैन में तेल चढ़ा दिया है साइड में, और मैं गार्लिक और जिंजर को थोड़ा सा कूट रही हूँ, इससे सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो सबसे पहले पैन में आप तेल गरम कर लें और उसके अंदर डालें जीरा और थोड़ी सी राई। फिर मैंने डाली ये हरी मिर्च, और हरी मिर्च सौते करके फिर उसके अंदर जो मैंने जिंजर और गार्लिक को कूटा है वो डाल दें, और दोनों चीज़ों को अच्छे से सौते करके उसके बाद उसमें मसाले डालें। और मसाले में मैं डालती हूँ हल्दी और मिर्च। आपकी जैसी क्वांटिटी है या जैसा आप खाना चाहते हैं मसाला, आप उस तरह से रख सकते हैं। धनिया मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। और फिर मैं पचकूटा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे 3-4 बार पानी से अच्छे से धोकर और उसके बाद भिगोया है, तो मैं इसे सीधा छाछ से निकाल कर डाल रही हूँ। वैसे आप इसे अच्छे से धोकर ही डालें, क्योंकि सब्जी में थोड़ी मिट्टी आती है, मिट्टी लगी हुई होती है चारों तरफ सब्जी में, तो आप इसे अच्छे से वॉश करके पानी से फिर ही सब्जी बनाएं। और उसके बाद अच्छे से सौते करके चलाकर अब मैं इसके अंदर डालूंगी ड्राई अमचूर पाउडर, क्योंकि मेरे पास सूखा वो वाला अमचूर नहीं है, तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और बस ये सब्जी रेडी है। बस अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। 2 मिनट में इसे ढक के रख दूंगी ताकि सब्जी के जो सारे फ्लेवर एक दूसरे में आ जाएं और बहुत अच्छा अरोमा आए। और यहाँ हो रही है कड़ी में तड़का लगाने की तैयारी। कड़ी बन चुकी है मेरी, और मेरी कड़ी कम से कम 2-3 घंटे तक बनती है। मैं 2-3 घंटे कड़ी चढ़ाकर रखती हूँ बिना तड़का लगाए, और उसके अंदर सिर्फ एक हरी मिर्ची काट देती हूँ, और उसके बाद अगर लहसुन डालना है तो लहसुन भी साथ डाल देती हूँ, और उसे सिर्फ गैस पे सीधा चढ़ा देती हूँ और धीरे धीरे चलाती रहती हूँ। उसके बाद मैं उसे तड़का लगाती हूँ। तो बस अब मेरी कड़ी तड़के के लिए तैयार है। आज मैंने उसमें पहले लहसुन नहीं डाला है, तो मैं तड़का लगाते टाइम उसमें लहसुन डालूंगी। तो तड़के में मैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ी सी अरोमा के लिए तेल में भी डाल रही हूँ, और अब मैं इसे डायरेक्ट लाल मिर्च पाउडर डाल के और अब मैं इस तड़के को कड़ी पर डाल दूंगी, कड़ी को ढक दूंगी। बस ये कड़ी रेडी है। तो देखिए कड़ी का कलर कितना अच्छा आया है, और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ मेरी कड़ी तैयार है, यहाँ सब्जी तैयार है, और बस अब मैं बनाऊंगी चपाती। और मैं अब यहाँ मनोज के लिए प्लेट लगा रही हूँ। मैं जिद करके उन्हें कह रही हूँ कि आप खाना खा लो, क्योंकि गर्म खाना टेस्टी लगता है। वो मना कर रहे हैं, बट मैं उन्हें गरम ही चपाती खिलाऊंगी बना बना के हैंड टू हैंड, क्योंकि मुझे ये अच्छा भी लगता है कि मैं बनाती जाऊं और कोई खाता जाए। और यहाँ एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इनको खाना अच्छा लगा है। हाँ, इन्हें खाना बहुत अच्छा लगा है। और इस सब्जी में देखिए मैंने कोई ज़्यादा मसाले या गरम मसाले ऐसा कुछ नहीं डाला है। ये सब्जी सिंपल होती, जितनी सिंपल होती उतनी अच्छी लगती है, बट इसमें थोड़ा सा तेल अच्छा होना चाहिए, तेल और मिर्ची अच्छी होनी चाहिए। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गरम गरम बना रही हूँ और ये खा रहे हैं। ये सीन ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी प्लेट, पूर्वम ने भी खा लिया है, और खाना सच में बहुत यमी बना है। और मैं खाऊंगी साथ में स्प्राउट्स, तो मैं चपाती सिर्फ आधी खाऊंगी। Thank you.
और बस चाय पीने बैठे थे बालकनी में। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल माहौल लग रहा है, और अपना अपना काम लेके बैठ गए। फिर पता ही नहीं चला, टाइम भी निकल गया काफ़ी सारा। और पूर्वम अब डिमांड कर रहा है कि मम्मी पहले आप आज केक बनाओ, तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं केक बना लेती हूँ, तो अब पहले मैं केक बनाने जाऊँगी और उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। और ये लीजिए केक रेडी है, करीब मुझे आधा घंटा लगा है सब कुछ करने में, मतलब बनाने से लगाकर ये खाने तक का जो टाइमिंग है वो पूरा आधा घंटा लगा है। और बहुत यमी पे केक बना है, मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, कभी और करूँगी। सिंपल सा केक था पर यमी बहुत था, और अब मैं डिनर बनाऊँगी। और देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर ये पीस बचा है केवल केक का, इतना यमी केक बना था। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा भी मैंने आप लोगों के साथ रिलेट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में।